हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानेंगे टैली में लेसन 6 यानी कि वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स क्या है और कैसे इसकी एंट्री करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर जो कहा जाए लेसन 6 यानी कि वाउचर क्या है, तो कह रहा है वाउचर यानी कि वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड, यानी कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे वाउचर, पढ़े थे हम लोग ना कि ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए गए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। और वहां हम ये समझाए थे कि अगर सपोज करिए आपके पास कंप्यूटर नहीं है और यदि आप अपने रजिस्टर पे डाटा मेंटेन करते हैं तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, तो जहां पे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वही आपके लिए क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। यानी कि यहाँ कह रहा है कि कोई भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और उसके डिटेल को यदि रिकॉर्ड करना है तो किसमें हम करेंगे, वाउचर। जो कह रहा वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और ट्रांजेक्शन क्या है ये आप लोग जानते होंगे, क्या है ट्रांजेक्शन? हाँ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई वैल्यू का इवेंट, ये हम लोग पढ़े थे ना। अब कोई वैल्यू इन्वॉल्व है और दो व्यक्तियों के बीच लेन देन हो रहा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन। जो कह रहा है किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? पार्टिकुलर सपोज करिए कोई एक विशेष प्रकार का ट्रांजेक्शन है और उस विशेष प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष वाउचर ही चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो आपने कोई वस्तु खरीदा, तो परचेज किए है ना, तो परचेज करने के लिए हम परचेज वाउचर में ही एंट्री करेंगे। तो पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन और पार्टिकुलर, अच्छा किसी से कोई सामान बेचे यानी कि सेल किए हैं तो सेल वाउचर में ही एंट्री करेंगे, वो हमारा क्या है, पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए पार्टिकुलर। अच्छा आ रहा समझे ना, वही कह रहा है कि यदि पार्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है तो आप पार्टिकुलर वाउचर का ही प्रयोग किया जाता है। जो कह रहा है किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। तो ये गोल्डन रूल्स आप लोग पढ़े हैं ना, गोल्डन रूल आपको सबको पता है ना, रूल कितने प्रकार के होते हैं इसमें, जी तीन। कितने होते हैं, तीन। इस अपना खड़े हो जाओ तो तुम, नहीं वो वाले सब बताओ, खड़े जाओ। पहले तो तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ, अब बताओ गोल्डन रूल में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। नॉमिनल का रूल बताओ। हाँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। नहीं आता, बता सकते नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। हाँ बताओ। रियल का रूल बताओ। पर्सनल का रूल बताओ। बताओ विश्वजीत, नॉमिनल का रूल बताओ। नोट्स बंद करिए सब लोग, रूल्स देखना बंद करिए पहले, रूल देखना बंद करिए सभी लोग पहले। नॉमिनल नॉमिनल का पहले आने वाला डेबिट और जाने वाला ये ना, रियल अकाउंट का रूल बताओ। हम नॉमिनल अकाउंट का रूल पूछ रहे हैं। खड़े जाओ बलराम, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ भाई। खड़े जाओ अभी से। सबसे पहले तो तुम ये जवाब दो, तुम पढ़ने क्यों नहीं आ रहे? घर पे काम था,
एग्जाम था क्या था? कहीं गए एप्लीकेशन दिए थे? छोड़ दो एप्लीकेशन, तुम खुद बताओ तुम्हारा पढ़ाई कितना लॉस हो रहा है, खुद सोचो पढ़ाई कितना लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना? उसमें कोर्स हमारा कौन सा? एडीएफए, एडीएफए ही है ना, एडीसीए। तो जब तक एडवांस नहीं पढ़े रहोगे तब तक बेसिक, ये बेसिक नहीं पढ़े रहोगे तब तक एडवांस कैसे समझ में आएगा? तुम बताओ जी कौन सा? एक्सटेंस होगा तो डेबिट, और इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट किससे संबंधित खाता? किससे संबंधित है? बस एक्सपेंस है। बताओ जी तभी स्पॉटेड रहेगा, बताओ नॉमिनल अकाउंट किससे संबंधित खाते? बिजनेस से संबंधित। बहुत बढ़िया, नॉमिनल का रूल बताओ, एक्सपेंस होगा तो और इनकम होगा तो रियल अकाउंट बताओ किससे संबंधित खाते हैं? रियल अकाउंट एसेट्स। चलो ये बताओ हम किसी बैंक का नाम ले तो किस अकाउंट में आएगा, रियल पर्सनल नॉमिनल किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, देख के पढ़ लियो सोचे बता दे। अब बताइए पहले बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल बताइए। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट में किससे संबंधित खाते आते हैं? पर्सनल अकाउंट में जो है व्यक्तिगत खाते होते हैं, किसी भी संस्था या कंपनी के या किसी पर्सनल व्यक्ति से रिलेटेड खाते जो है पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बताइए। रियल अकाउंट में रियल अकाउंट में वो आपके वो वाले खाते होते हैं एसेट्स से रिलेटेड खाते हैं, और व्हाट कम्स डेबिट और व्हाट गोस क्रेडिट, मैंने व्हाट गोस वो क्रेडिट डेबिट है और व्हाट कम्स क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, बताओ जी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस होता है तो और इनकम होता है तो किससे संबंधित खाता है नॉमिनल? रियल अकाउंट का रूल बताओ, रियल अकाउंट किससे संबंधित खाते हैं? एसेट्स। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, देने वाला डेबिट और क्रेडिट, देने वाला डेबिट और क्रेडिट, नो सर देने वाला डेबिट और क्रेडिट, सर उल्टा। आइए सर आप बताइए सर, सर बताइए अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा? रियल अकाउंट का रूल बताइए, सभी लोग खड़े हो गए कोई रूल नहीं बता पाया पूरा। हाँ अभी हाँ बताइए फटाफट बताइए, आप बताइए पीयूष नॉमिनल का रूल बताइए,
पढ़े जाओ आकृति, तुम बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। किससे संबंधित खाता है नॉमिनल? रियल अकाउंट का रूल बताओ। किससे संबंधित खाता है रियल? पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। किससे संबंधित खाता है पर्सनल अकाउंट? ये बताओ अगर जो हम कोई एक वाहन खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में, वो हमारे लिए क्या कहलाए? तो अगर जो वो वाहन हमारे बिजनेस में आ रहा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? चोरी का खाता बताओ किसमें जाएगा? रियल नॉमिनल पर्सनल किसमें जाएगा? तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? आप लोग बताइए। हाँ ही होगा, धन्यवाद। ये बताइए लोग, आप लोग खुद सामने देखिए, अभी जैसे लोग वाउचर पे आए तो कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना होगा। चूंकि यहाँ समझाया भी है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, दिया है ना, छोटे शब्द में ही दे दिया है। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के, पर्सनल, रियल और नॉन। कह रहा है डेबिट एक्सपेक्ट और क्रेडिट एक्सपेक्ट, डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। बता रहा द रिसीवर यानी पाने वाला है तो डेबिट, द गिवर यदि देने वाला है तो, और कह रहा रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन यदि कुछ आता है तो, यदि आता है तो क्या होगा, डेबिट, व्हाट गोज आउट यदि कोई जाता है तो, और अगला दिया नॉमिनल ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्या होगा, डेबिट, एंड ऑल इनकम एंड गन्स क्या होगा, क्रेडिट। ये हमने आपको पहले ही बताया था नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। तो ये फिर भी भूल जा रहा है, अब याद आ गया ना, बैठिए लो। और आगे जब ट्रांजेक्शन आ रहा है ना, तो ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट करना हम नहीं बताएंगे, और जो नहीं बताएगा क्या होगा, सीधा कर लो, थोड़ा ब्रेंच को पीछे कर लो, नहीं गिरेगा क्यों, और थोड़ा थोड़ा ब्रेंच सब आगे कर लीजिए, अपने वाला बैठने वाला ब्रेंच थोड़ा सा आगे कर लो जाएगा, बस रहे। अब चलिए ध्यान दीजिए, जिसमें सबसे पहले कह रहा है क्या, टाइप्स ऑफ वाउचर। अब इसमें कह रहा है अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर। तो इसके पहले आप लोग मास्टर्स पढ़े थे ना, मास्टर पढ़े थे ना, तो मास्टर हम लोग पढ़े थे क्या, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, स्टेटरी मास्टर और एक और था पेरोल मास्टर, चार मास्टर दिया था ना, जिसमें अकाउंटिंग मास्टर हम लोग पढ़े थे क्या, लेजर बनाना, ग्रुप बनाना, यही पढ़े थे ना, और इन्वेंट्री में हम लोग क्या पढ़े थे, गुड्स के जो गुड्स था उसका इंफॉर्मेशन एंट्री करना क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगा, ये हम लोग पढ़े थे ना। तो वही दे रहा है सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे तो सबसे पहले क्या दिया है, कंट्रा वाउचर। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोबारा बताने नहीं जाएंगे, दोबारा सिर्फ पूछेंगे, और जो नहीं बताएगा ना आज तो छोड़ दिया, अगले दिन से छोड़ेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले दिया है कौन सा वाउचर, कंट्रा वाउचर। अब कंट्रा वाउचर का यूज कब करें, क्योंकि हम लोग को यही जानना है ना कि कब किस वाउचर का हम लोग यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है कौन सा वाउचर, कंट्रा वाउचर। जैसे इसके पहले हम पढ़े हैं पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए पार्टिकुलर वाउचर का उपयोग करते हैं, अब किस प्रकार का ट्रांजेक्शन आएगा तो कंट्रा का यूज करेंगे, समझे ना। अब कितना समझ लीजिए कि बिजनेस में जो भी इंटरनल ट्रांजेक्शन हो, कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन, और इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होगा, या तो आप अपने बिजनेस से बैंक में पैसा लाके जमा कर लीजिए, या तो बैंक से कुछ पैसा निकाल लीजिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रांजेक्शन, आया समझ में। या फिर आप ये कह सकते हैं बिजनेस के ऐसे ट्रांजेक्शन, किसके, बिजनेस के ऐसे ट्रांजेक्शन जो सिर्फ हमारे बिजनेस यानी कैश और बैंक से संबंधित होते हैं, सिर्फ वैसे ट्रांजेक्शन एंट्री करने के लिए हम किसमें आएंगे, कंट्रा में आएंगे। अब ऐसा नहीं
कि अगर किसी कस्टमर से पैसा पाना था वो हमारे बैंक में भेज दिया, हम कंट्रा में कर लेंगे, ऐसा नहीं। कब? कि यदि आपका बिजनेस है और ये आपका क्या है, बैंक। कौन कौन शामिल हो रहा है? आपका बिजनेस और आपका, यदि आप अपने बिजनेस में बैंक से पैसा निकाल के लेके आ गए या फिर बैंक से पैसा क्या कर दिए, जमा कर, तो समझा रहा है ना, या तो बैंक टू कैश हो या कैश टू बैंक। अब सपोज करिए कि आपका बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस से काफी सारा लाभ कमा लिया, मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए लाभ कमा, कितना लाभ कमा लिया, तो सोच रहा है कि नहीं ऐसे रहेगा तो उठ जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इस 1 लाख रुपए को अपने बैंक में ला करके हम डिपॉजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिपॉजिट और विड्रा का मतलब होता है ना, डिपॉजिट का मतलब जमा करना और विड्रा का मतलब ला करके बैंक में जमा कर दे, तो सिर्फ हमारे कैश और बैंक बीच में हो रहा है ना। जब ऐसे ट्रांजेक्शन होगा तो हम किसमें करेंगे, कंट्रा हो, या हमारे पास 1 रुपया नहीं था, हम 1 लाख रुपए बैंक में जमा करके रखे हैं, 50,000 रुपए की जरूरत पड़ी, हम चले गए बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर भी लेके तो बिजनेस भी लेके आए ना, तो सिर्फ हमारे कैश और बैंक के बीच लेन देन हो रहा है, तो वैसे ट्रांजेक्शन की कौन सा वाउचर है, कंट्रा वाउचर, याद रहेगा ना। या फिर हो सकता है कहीं आपका 2 बैंक हो, ऐसा हो सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए आपका एक SBI में है और दूसरा जो है वो PNB, इसमें दूसरा PNB में। अब हम क्या कर रहे हैं कि SBI बैंक में लगभग हमारे पास 50,000 रुपए पड़े, कितने पैसे हैं 50,000 रुपए, और PNB में 0 रुपए। तो हम ये चाहते हैं कि SBI वाले से लगभग लगभग 20,000 रुपए, कितना 30,000 रुपए मान लेते, कितना 30,000 रुपए जमा कर देते हैं किसमें, PNB वाले। तो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी किस वॉलेट में करेंगे, कंट्रा वाला। बट ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपका कस्टमर है और कस्टमर यदि आपको पैसा दे रहा है तो आप कंट्रा वाउचर में कर लेंगे तो बैंक के माध्यम से, ऐसा नहीं करना। कस्टमर को हम पैसा पाए तो रिसीव में करें, चाहे वो कैश दे या फिर वो ऑनलाइन बैंक के माध्यम से, और जो कस्टमर से पैसा रिसीव होगा तो रिसीव वाउचर में आ जाए। लेकिन कंट्रा में कब जाएंगे, जब हम जाके बैंक पैसा जमा किए या बैंक पैसा निकाले तो वो किसमें आ जाएगा, तो कंट्रा में किस प्रकार के एंट्री करेंगे, याद रहेगा ना। कंट्रा के पास क्या कह रहा है, पेमेंट, कंट्रा के पास क्या है, अब पेमेंट प्रोसेस में एंट्री कब करेंगे, जब किसी को हम पैसा दे रहे हैं और पैसा 2 कंडीशन में देते हैं, कितने कंडीशन में, 2 कंडीशन कौन कौन सा होगा, पहला तो आपको उधार सामान खरीदना है, ड्यू डेट आप ले लिए। एग्जांपल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि हम किसी से कोई सामान खरीदे हैं और हम उसको बोल दिए कि 2 दिन के बाद हम आपको पैसा वापस कर, कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसको पैसा वापस करते जाएंगे ना, तो जो पैसा देंगे वो किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप यदि अपने बिजनेस में किसी एम्प्लॉई को रखकर सैलरी देंगे ना, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस किए होंगे ना, उसका पेमेंट करना हो तो भी किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर। यानी हम ये कह सकते हैं पेमेंट वाउचर में एंट्री 2 माध्यम से की जाती है, 2 माध्यम कौन कौन सा होगा, या तो हम कोई उधार सामान खरीदे होंगे उसका पैसा दे रहे होंगे तो भी किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर, या फिर हम किसी को अपने अपने एम्प्लॉई को सैलरी देना है या फिर जो एक्सपेंस या बिजनेस को चलाने के लिए उसका पेमेंट करना है तो किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर, याद रहेगा ना। कंट्रा वाउचर में कब एंट्री करेंगे, जब बैंक और कैश के बीच यानी कि इंटरनल ट्रांजैक्शन हो, कौन सा, कंट्रा वाउचर। पेमेंट वाउचर में, हाँ, जब किसी सप्लायर का या किसी एक्सपेंस का पेमेंट करना है तो किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर। और अगला दिया कौन सा है, रिसीप्ट वाउचर, अगला क्या दिया है, रिसीप्ट। तो रिसीप्ट लगभग रिसीप्ट नाम पता चल रहा है ना, रिसीव हो रहा है, अगर जो आप कोई इनकम कमाए हो वो पैसा आपको रिसीव करना है, कस्टमर से उधार सामान दिए उससे पैसा रिसीव करना है, तब किस वाउचर में करेंगे, रिसीप्ट वाउचर। हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में अपने दूसरे व्यक्ति से यदि पैसा पाना है तो किस वाउचर में, रिसीप्ट वाउचर, चाहे वो कैश के माध्यम से हो या फिर वो बैंक के माध्यम से हो, यदि पैसा हमको मिल रहा है
किस वाउचर में? बेसिक वाउचर, इतना क्लियर है ना? और समझिए बिजनेस हम दो ये लेके चल सकते हैं, एक तरफ हमारा क्या हो गया पेमेंट, एक तरफ क्या हो गया पेमेंट, और दूसरे तरफ रिसीव। तो पेमेंट में कब होगा और रिसीव में कब होगा? जब पैसा माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा किसमें? पेमेंट में। और जब पैसा प्लस होगा तो रिसीव। माइनस किस प्रकार होगा और प्लस किस प्रकार होगा? हमारे पास 100 रुपए था और हम सप्लायर से 50 रुपए उधार सामान खरीदे थे, तो उसको पेमेंट कर दी, तो 50 रुपए रह गया, 50 रुपए माइनस हुआ कि नहीं? माइनस हुआ किसमें? पेमेंट। और वही अगर हमारे पास 100 रुपए था और एक कस्टमर सामान बेचे जिससे 50 रुपए पाना था, 50 रुपए ला करके दे दिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 50 रुपए प्लस हुआ है ना, तो प्लस हुआ तो उसके अड्डे किसमें करेंगे? बेसिक वाउचर। इतना क्लियर है ना? अभी हमने आपको तीन वाउचर देखा, तीन क्लियर है ना? तीन के पास अगला क्या दिया है? जनरल वाउचर। जनरल में एंट्री कब करेंगे समझ लीजिए, कभी ऐसा हुआ कि हम एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, या एसेट्स को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। नीचे दिया परचेज वाउचर, ऐसा नहीं है, आपको देखिए यहाँ दिया परचेज वाउचर और यहाँ दिया सेल्स वाउचर। तो आखिर सेल हम सेल और परचेज करने के लिए जनरल कब करें? तो अगर हम एक संपत्ति खरीदे, एक कंप्यूटर खरीद के लिए क्या गए? अरे समझे ना, तो सपोज करिए कि आज हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं जिसका रैम 4 GB, कितना जीबी है? तो यह हमारे लिए एसेट्स है, हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करेगा। हम खरीद के लिए क्या है, हमारा एसेट्स हो रहा है, तो एसेट्स खरीद रहे हैं, किस वाउच में एंट्री करेंगे? जनरल वाउच। हर समय ना, और कुछ समय के बाद हमको ये लग रहा है कि ये वाला हमारा कंप्यूटर खराब हो चुका है, अब कम से कम हमको 8 GB वाला 8 GB रैम वाला कंप्यूटर चाहिए। कितने जीबी वाला? 8 GB वाला। और नया खरीद ले रहे हैं, ये पुराना हम सोचेंगे ना बेचने के लिए, तो जब बेचना हो तो एसेट्स ही बेच रहे हैं ना, उसके एंट्री हम किसमें करेंगे? जनरल वाउचर में ही करें। यानी कि जनरल वाउचर में दो प्रकार के एंट्री करें। कितने प्रकार का? दो प्रकार, चाहे एसेट्स खरीदे या फिर एसेट्स बेचे, दोनों कंडीशन में एंट्री किसमें होगा? हाँ, लेकिन अगला दिया सेल्स वाउचर, तो कब बेचेंगे, कौन सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे? ऐसा गुड्स जो लाभ कमाने उससे सेल किया जाए, उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? अब आप खुद बताइए, अगर जो आप एक कंप्यूटर खरीद लिए 10,000 रुपए में, और यदि आप 6 मंथ आप उसको यूज करके बेचेंगे, कितना मंथ? 6 मंथ यूज करके बेचेंगे, 10,000 आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसमें आपको ये पढ़े थे डिप्रिसिएशन, सुनने आप लोग ट्रांजेक्शन के समय बताए थे डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन, याद है? क्या है डिप्रिसिएशन? जैसे जब कोई एसेट्स खरीदे हैं और उस एसेट्स की कीमत में कुछ कटौती हो रहा है, सेल करते समय कुछ कटौती हो रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन कहलाएगा। तो इसमें हमको क्या करना होगा, 10,000 का खरीदे थे और 8 मंथ के बाद हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो 2,000 रुपए हमारा क्या जा रहा है? लॉस आ रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये हमको दिखाना होगा, और ये अगर जो दिखाना है जिसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? जनरल वाउचर। ये हो रहा है ना? लेकिन अगर जो ये हमारा गुड्स होता है, एसेट्स नहीं, एसेट्स और गुड्स में अंतर है। आप लोग पढ़े गुड्स क्या है, तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो क्या कहलाता है? उसके लिए गुड्स कहलाता है। तो हमारा जो व्यापार है वो मान लेते हैं मार्कर पेन का ही, किसका है? मार्कर पेन का। और अगर हमारे पास में मार्कर नहीं, खरीद के लाएंगे ना, उसका उद्देश्य है बेचना, तो सप्लायर के पास चले गए खरीदने के लिए, तो सप्लायर जो हम परचेज किए, तो इसके एंट्री हम किसमें करेंगे? परचेज वाउचर। और जब यही हम किसी कस्टमर से सेल करेंगे, तो हम किसमें करेंगे? सेल्स वाउचर। अब क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले आपको जवाब दीजिएगा, कंट्रा वाउचर एंट्री कब करेंगे? हाँ, जब बिजनेस के इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल क्या होगा? जब कैश और बैंक के बीच लेन देन, तो किसमें होगा? पेमेंट वाउचर। हाँ, जब किसी एक्सपेंस का पेमेंट करें, हम ये कह सकते हैं किसी एक्सपेंस या किसी सप्लायर का पेमेंट करें, किसमें? रिसीप्ट वाउचर। हाँ, जब हमें पैसा पाना, तो किसमें करेंगे? और जनरल वाउचर में
एसेट्स को आप पर्चे सेल करो किसमें सेल्स वाउचर जब लाभ कमाने की वजह से कोई गुड्स सेल किया जाए तो किसमें करेंगे सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर भी कब करेंगे जब लाभ कमाने की वजह से यानी कि बेचने की वजह से कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके अंदर हम किसमें करेंगे परचेज वाउचर अब दो वाउचर रह जाता है कौन सा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इसके पहले आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न पढ़े थे ना परचेज का ये भी आप लोग पढ़े थे थ्योरी में याद है याद है जी क्या पढ़े थे हम लोग थ्योरी थ्योरी में पढ़े थे हम लोग पेज नंबर आप लोग देख लीजिए किस टाइम परचेज सेल परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हां पेज नंबर 3 चेक करिए जब हम कोई सामान सप्लायर से खरीदते हैं तो परचेज परचेज कहलाता है उसको वापस करते हैं हां तो परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न सही है जब अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं जिसका वजह से क्या बेचना है तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे बेचने के उद्देश्य से अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं किसमें करेंगे हम क्वेश्चन ये किए हैं कि बेचने के उद्देश्य से यदि कोई सामान खरीद रहा है तो उसके अंदर किसमें परचेज वाउचर आ रहा समझे ना और अगर जो कोई वस्तु बेच रहा है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है किसमें करेंगे सेल्स वाउचर अब सपोज करिए कि हम कोई जैसे हम बोले मार्कर पेन का हमारा बिजनेस इसका बिजनेस है मार्कर पेन हम 100 पीस खरीद के लाए बेचने के लिए कितना पीस खरीद के लाए तो ये जो खरीद के लाए इसके एंट्री हम किसमें करेंगे परचेज में परचेज नहीं करेंगे ना लेकिन किसी कारणवश 10 पीस मार्कर खराब हो गया तो वो परचेज रिटर्न करेंगे क्या करेंगे परचेज रिटर्न करेंगे आप बताइए उसके एंट्री हम किसमें करेंगे परचेज रिटर्न कर रहे हैं ना तो परचेज यानी वापस करना किसमें करेंगे डेबिट नोट वाउचर और यदि हम यही 100 पीस में से जो 10 पीस वापस कर दिए और बाकी का 90 पीस बचा था हम अपने कस्टमर से 90 पीस क्या कर दिए सेल कर अब वो कस्टमर आकर कह रहा है देखिए इसमें से 5 पीस खराब हो गया इसको वापस कर लीजिए तो 5 पीस हम वापस करेंगे ना तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम किसमें करेंगे रेट नोट याद रहेगा सारा अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले होता है कंट्रा कैश और बैंक के बीच लेन देन हो तो अगर जो किसी को पैसा हम दे रहे हो तो जिस पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव और अगर जो एसेट्स को खरीद या बेच रहे हैं तो और अगर जो सेल कर लाभ कमाने के लिए कोई वस्तु सेल कर रहे हैं तो सेल्स वाउचर और सेल किया गया गुड्स यदि वापस करना है तो क्रेडिट नोट वाउचर सेल किया गया गुड्स यदि वापस करना है तो क्रेडिट नोट वाउचर और अगर जो कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं लेकिन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना उसकी एंट्री परचेज वाउचर और वही परचेज किया गया गुड्स जब हम वापस करेंगे तो कर ले जाएंगे ना याद रहेगा इतना हाँ क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए और डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए याद रहेगा कंक्लूजन है चलिए आपसे कुछ लाभ भी करते हाँ अरे लाओ कुछ कुछ नहीं ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ लोगों पे आप बताइए आपको सामान खरीदना भी सीख तो वो आपके लिए क्या कह रहा है आपके लिए खरीदना आप सीख से वो क्या कहलाएगा तुम्हें ध्यान दे यार तुम्हें ध्यान दे अब तू मान के चलो तुम इनसे बेच रहे हो पैसा तो तुम्हारे लिए क्या कह रहा है अगर जो तुम सामान बेच रहे हो इनसे तो तुम्हारे क्या कह रहा है ऐसे बता दे बैठिए यहाँ बता दे समझ लीजिए हम ले लिए किसका एक पीयूष का ले लिए और दूसरा ले लिए किसका आप इससे यही है ना आप समझ लीजिए अगर जो पीयूष क्या कर रहे हैं परचेज कर किससे अभिषेक अभिषेक का क्या होगा सेल और पीयूष क्या कर रहा है परचेज
अब इससे अगर जो प्यू सेंट्रिक करेंगे तो किस वाउचर में? परचेज वाउचर। और अगर जो ये अभिषेक अगर जो एंट्री करेंगे तो किसमें? सेल्स वाउचर। आया समझे ना? अब अगर जो पीयूष अभिषेक सेल किया कितना 100 पीस, तो पीयूष उतना ही पीस लेके आए ना, 100 पीस ही लेके आए। लेकिन अब पीयूष जब खरीद के लेके आए 300 लग रहा है, इसमें से 10 पीस खराब है, हमको जाना चाहिए वापस। तो पीयूष के लिए क्या कहलाएगा 10 पीस वापस करेंगे तो? क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। खरीदा हुआ वस्तु वापस कर रहे हैं ना, तो क्या कह रहा है? परचेज रिटर्न। तो ये 10 पीस किसके पास जाएगा? अभिषेक के पास। तो अभिषेक के लिए 10 पीस क्या कह रहा है? सेल्स रिटर्न कह रहा है। तो 10 पीस क्या कर रहा है? रिटर्न ले रहा है। तो उस समय ये 10 पीस की एंट्री किसमें करेंगे? पीयूष डेबिट नोट वाउचर में। और ये जो अभिषेक है वो 10 पीस की एंट्री किसमें करेंगे? और उसके रिटर्न हम करेंगे तो हम किस में करेंगे? ट्रेड नोट वाउचर। और यदि हम आपसे परचेज किए खरीदे हैं तो अगर हम जाएंगे आपके पास वापस करने के लिए तो किस में करेंगे? अब क्लियर है ना? जनरल में ही जाए, क्योंकि अगर जो ये अभिषेक का कोई संपत्ति हुआ तो खरीद रहे हैं कौन? पीयूष। तो भी परचेज और सेल ही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? संपत्ति हो रहा है ना। हम पहले बताया जब कोई एसेट्स का लेन देन हो किसमें? तो अकाउंटिंग वाउचर में जितना दे इतना क्लियर है ना। और अगला हमको आता है कौन सा? हाँ, अगर जो अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपको सिर्फ बता दिया जाएगा ट्रांजेक्शन, ये नहीं बताया जाएगा किस वाउचर को करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये नहीं बताया जाएगा। अगर जो कोई सामान खरीदा गया है बता दिया जाएगा हाँ ये सामान खरीदे हैं और इसको शॉप में या वेयरहाउस में रखा गया बेचने, ये बस बता दिया जाएगा। किससे खरीदे ये बता दिया। अब कौन डेबिट करना और कौन क्रेडिट करना ये आपको पहचानना है। पहले खड़े हो बता रहे आए नहीं थे ना, तुम बैल लेके आया हो, नहीं आईडी कार्ड है, कैसे पहचान जाओ तुम पढ़ने वाले? आपने गमछा लगा? नहीं बस सही है, धूप है सही है, धूप है लगाओ उसे कुर्ती छाती के लिए सही, बट बैग और आईडी कार्ड होना चाहिए। मम्मी का पढ़ने के लिए दिया था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं फिर आगे भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। समझे ना? बैठ जाइए सब बता दे। कंट्रा वाउचर क्या होता है? तो इतना सिंपल सुधार बता रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे। सिंपल क्या है? कंट्रा एंट्री कब करेंगे? जब कैश और बैंक के बीच लेन देन, कैश और बैंक के बीच लेन देन कब होगा? जब कैश या तो बैंक में जमा करें या बैंक से कैश निकाल, तो इसमें करेंगे कंट्रा। पेमेंट क्या है? सप्लायर से वर्तमान खरीद उसको पैसा देना ही देना, तो किस में करेंगे? पेमेंट। कस्टमर से हर सामान बेचे उसे पैसा लेना होगा, पैसा पाएंगे ना, तो पैसा मुझे पाएंगे तो किसमें होगा? रिसीव वाउचर। जनरल वाउचर एंट्री कब करेंगे? कि जब हम कोई एसेट्स खरीदेंगे या फिर एसेट्स बेचेंगे, तो किसमें करेंगे? जनरल वाउचर। और एसेट्स के आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा कि बिजनेस को अस्थाई या अस्थाई से चलाने वाला वस्तु क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है, चाहे वो फिक्स हो या फिर वो करेंट। और वो जो ऐसे संपत्ति जो हमारे एसेट्स है उसको लोग खरीदेंगे या फिर बेचेंगे किसमें? जनरल वाउचर। इतना क्लियर है ना? अगला बताए सेल्स वाउचर। वस्तु यहाँ पे खरीदना है लेकिन एसेट्स नहीं खरीदना, बल्कि वस्तु खरीदना है। एसेट्स में और वस्तु में अंतर, गुड्स यानी कि वस्तु। और हम लोग पढ़े हैं कि व्यापार जिस वस्तु का व्यापार करता है उसके लिए वो गुड्स कहलाता है। जब गुड्स खरीदेंगे व्यापार उसी का करते हैं ना, उसी संपत्ति को पैसा कमाना है।
और यदि हम किसी कस्टमर को सामान बेच दिए और उसको लग रहा है कि हमको कुछ वापस कर देना चाहिए तो लेके आगे हमारे पास वापस कर ले तो उसके एंट्री हम किसमें करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। और अगला कर परचेज और डेबिट नोट। परचेज एंट्री कब करेंगे? ये तो लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचे है ना, तो जब खरीदे रहेंगे तभी तो बेचेंगे ना, तो जब खरीदने जाए तो उसके एंट्री हम किसमें करेंगे परचेज वाउचर। और उसी में कुछ सामान खराब निकले तो वहां जाएंगे वापस कर, हम जा रहे हैं वापस कर तो परचेज रिटर्न, और दूसरा कोई कस्टमर ला रहा है हमारे पास वापस करने तो सेल्स। तो जब परचेज को रिटर्न कर रहे हैं तो किसमें डेबिट नोट, और जब सेल्स को रिटर्न कर रहे हैं तो अब क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग इतना पढ़ के आइए और अगली क्लास आपको बताते हैं क्या इन्वेंट्री वाउचर। अब अगर आपको चाहे तो समझ भी सकते हैं इन्वेंट्री में सबसे पहला क्या दिया है परचेज। तो परचेज ऑर्डर मतलब पता है ना, क्या करते हैं हमारे पास कोई सामान कम पड़ने लगता है हम करते हैं कि थोड़ा सा ऑर्डर नोट कर ले और बोल दे कि सप्लायर हमारा सामान भेज दे ना, तो नोट करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा परचेज ऑर्डर। अब सपोज करिए हमारा बिजनेस है तो कस्टमर हमारे पास सामान नोट कराएगा ना कि ये सामान हमारे पास भेज दीजिएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा सेल्स ऑर्डर। ये दोनों क्लियर हो रहा है ना। परचेज रिटर्न क्या है कि जब हम खरीदने के लिए कोई सामान का ऑर्डर देंगे हमारा क्या कहलाएगा परचेज ऑर्डर, और अगर जो बेचने के लिए कोई सामान हम नोट करें तो हमारा क्या कहलाएगा सेल्स। अब उसके नीचे दिया रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन। अब सपोज करिए कि एक एग्जांपल ले लेते, अभी अपने क्लास में हम सोचे थे कितना, चलिए 10 किलो लड्डू मान लेते, 10 किलो लड्डू बांटना आ समझे ना, बच्चे कम आ गए, हम सोचे कि नहीं 10 किलो ज्यादा हो जाएगा तो हम इसमें से 5 किलो क्या कर दिए कैंसिल कर, कितना के जी 5 तो 10 केजी का जो ऑर्डर दिए थे वो हम खरीदने के लिए ऑर्डर दिए थे ना, उसके एंट्री हम किसमें कर दिए परचेज ऑर्डर में। अगर यही हम ऑर्डर लिए होते सपोज करिए कि हम लड्डू बनाते और भेजते हैं आ रहा समझे ना, तो दूसरा कोई कस्टमर हमको ऑर्डर दिया था तो हम किसमें करते सेल्स ऑर्डर। दोनों क्लियर है ना। अब अगर जो हम परचेज ऑर्डर दिए है कि 10 लड्डू बना के दे दीजिएगा, बाद में पता चला नहीं 5 क्रिसमस कैंसिल करना बस 5 पीस चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे रिजेक्शन। अब क्या करेंगे रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्ट करना हमको, और अपने पास ही क्या ना हम अपने सप्लायर के पास देंगे कि बाहर ही तो जा रहा है ना, तो क्या करेंगे रिजेक्शन। और अगर हम सेल्स ऑर्डर लिए हैं, क्या लिए हैं सेल्स ऑर्डर, अब वो कह रहे काम करिएगा 10 केजी नहीं बस 5 केजी दीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे रिजेक्शन ही, यानी कि जो वो रिजेक्ट किया हमको एक्सेप्ट करना होगा ना, एक्सेप्ट करना होगा ना, बिजनेस में आ ही रहा है ना, उसके लिए क्या करेंगे रिजेक्शन। इतना क्लियर है ना। और अगला दिया स्टॉक जनरल, क्या दिया है स्टॉक जनरल, क्या है हो सकता है आपका दो ब्रांच, कितना ब्रांच है तो एक ब्रांच में सामान है दूसरे ब्रांच में सामान नहीं, तो जहां नहीं वहां पहले ब्रांच से आ गया तो वहां कंप्यूटर में दिखाई देगा लेकिन स्टॉक में नहीं रहेगा, तो मेंटेन करना फिर किसका यूज करेंगे स्टॉक जनरल। जैसे एक ए ब्रांच है और दूसरा बी ब्रांच, तो बी ब्रांच में नहीं है लेकिन ए ब्रांच में दो पीस है, कितना पीस है दो। अब शॉप में हम दो पीस रखे थे और कंप्यूटर में भी दो पीस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ का कोई व्यक्ति आया यहाँ से एक पीस लेके चला गया तो शॉप से एक पीस कम हो गया ना, लेकिन कंप्यूटर में तो दो पीस दिखाई देगा ना, क्योंकि हम सेल नहीं किया दो पीस दिखेगा ही दिखेगा, तो वही हम एक पीस ट्रांसफर कर देंगे ए ब्रांच से कहाँ गया है बी ब्रांच में गया है, वो ट्रांसफर में चला जाएगा तब जाके एक पीस से एक पीस दिखाई देगा, तो वो स्टॉक ट्रांसफर करना है तो किसमें डिलीवरी नोट और रिसीप्ट। अगर जो हम परचेज ऑर्डर दिए हैं उसको रिसीव करेंगे ना, ऑर्डर दे दिया लाख हमको देते हम रिसीव करें नहीं रिसीव करें तब किसमें रिसीप्ट नोट, और अगर जो सेल्स ऑर्डर दे दिए उसको डिलीवर कराएंगे ना तब किसमें कराएंगे डिलीवरी। और अगला दिया क्या फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक क्या है, कुछ ऐसे गुड्स हैं कि अगर हम 100 पीस खरीद के लेके आ रहे हैं तो रास्ते में एक दो पीस या चार पीस खराब हो जा रहा है टूट जा रहा है जो कभी वापस होने वाला नहीं, तो हमारा नुकसान ही हो रहा है ना, तो वो मेंटेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे फिजिकल स्टॉक। आ रहा समझे ना, कैसे कि अगर जो 10 पीस कोई सामान खरीदे हैं जिसमें एक का रेट 10 रुपया है, कितना है 10 रुपया है, तो टोटल मिलके कितना हो जा रहा है
100 रुपए यही हो रहा है ना। अब इसमें से एक पीस टूट गया, इसमें से एक पीस क्या हो गया, टूट गया, कितना बचा है 9 पीस। लेकिन पैसा तो हम कितना दिए हैं, 100 रुपए दिए हैं ना, हमको 100 रुपए मिलना चाहिए ना। तो जब फिजिकल स्टॉक में जाएंगे तो वही 1 रुपए सबका बढ़ाता जाए, तो 10 के बजाय कितना कर देगा, 11 रुपए कर देगा, तो क्या अमाउंट कवर हो जाएगा। आया समझे ना, तो अमाउंट को रिकवर करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल स्टॉक। तो फिलहाल अभी वाउचर्स क्या है, इन सब के सबका मतलब क्लियर हो रहा है ना। इन्वेंट्री यानी कि बिजनेस में जो भी स्टॉक है, गुड्स है, उसको मेंटेन करना किसका इस्तेमाल करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर। जो पहले क्या है परचेज ऑर्डर, सामान खरीदने के लिए कुछ ऑर्डर नोट कराना है क्या करेंगे, बेचने के लिए कोई सामान नोट करना है तो परचेज ऑर्डर दिए तो उसको कैंसिल करना है तो, और सेल्स ऑर्डर लिए उसको कैंसिल करना है तो, और अगर जो स्टॉक एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है तो स्टॉक, अगर जो हम कोई सामान परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर लिए उसको भेजना है तो, और परचेज ऑर्डर लिए उसको रिसीव करना है तो, और अगर जो कोई वस्तु कोई गुड्स खरीद रहे हैं कुछ खराब निकल गया जो वापस भी नहीं होना, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल। क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, और अगली क्लास उनका बिजनेस लेकर स्टार्ट हो जाएगा कौन से वाउचर से, रिसेप्ट वाउचर। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।